नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्च परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय एक ग्यारह में हाँ हो गया था ठीक है। इक्कीस शिशुक उवाच राज्ञस्तद तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान ऋषि पुष्ट प्रह तमाग्य शृण्वत्यास्तत्सदस्कथा। भगवान ऋषि समर्थ देवर्षि नारद राजा युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रमुदित हुए। उन्होंने उन्हें संबोधित किया बड़ी सभा में और सबके सुनते हुए इस तथ्य को उद्भाषित किया। नारद उवाच निंदन्तस्तव सत्कारण्यकारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन्न विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। निंदन्तस्तव सत्कारण्यकारार्थं कलेवरं निंदा स्तव स्तुति सत्कार धिक्कार मन तिरस्कार ये सब शरीर के धर्म हैं। कलेवरम इसका अर्थ है कि सूक्ष्म शरीर को लेकर इन सब भावों की अभिव्यक्ति होती है लेकिन सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर है। अभिप्राय यह है कि आत्मा असंग है वो निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार का विषय नहीं है। ये सब जो मनोविकार हैं देह के ही धर्म हैं आत्मा के नहीं। प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितं कल्पितम् इस शरीर की कल्पना जिसमें निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार आदि का सन्निवेश है प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रकृति और पुरुष का विवेक न होने के कारण ही देहन्द्रीय प्राणांतःकरण की पुनः प्राप्ति होती है यह अभिप्राय। जब देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति होती है तब देहगत इंद्रियगत अंतःकरणगत प्राणगत धर्म भी प्राप्त होते हैं यह स्वाभाविक है। हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव। पृथ्वी से पार्थिव शब्द बना है तो राजा के लिए पार्थिव शब्द का प्रयोग होता है। पृथ्वी के अधिपति हैं और पृथु के नाम पर भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा तो राजा
पृथ्वी पर जितने प्राणी होते हैं, अंडज स्वेदज जरायु उद्भिद सबके पालक होते हैं, अतः उन्हें भी पार्थिव कहा जाता है। हिंसा तदभिमान न दंड पारुष योर यथा वैषम्यम भूताना ममाहमिति पार्थव पार्थिव। जब देहात्म बुद्धि हो जाती है तब ममाहम इति मैं या हूँ या मेरा है, मैं और मेरा का भाव उदित होता है, यही भेद का मूल है। इसी कारण विविध प्रकार के दुर्व्यचन आदि की प्राप्ति होती है, दंड पारुष इत्यादि की प्राप्ति होती है, तारणा और दुर्वचन आदि से पीड़ा होती है। सबका मूल है अविवेक। प्रकृति और पुरुष का विवेक न होने के कारण ही जन्म है, और जन्म लिया है तो ये सब पाप पर बेल नहीं पड़ेंगे। कोई निंदक होगा, कोई स्तावक होगा स्तुति करेगा, कोई तिरस्कार करेगा, कोई विविध प्रकार की यातना देगा, कोई स्वागत करेगा, कभी क्रोध होगा, कभी काम का उदय होगा, कभी लोभ का उदय होगा, सत्व रजस तमस इन तीन गुणों का प्रभाव शरीर पर पड़ता रहेगा। तन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः। अब जिस शरीर को लेकर अहम बुद्धि का उदय होता है या मैं हूँ, उसके नाश से व्यक्ति अपना नाश मानने लगता है, देह के जन्म से अपना जन्म मानता है। देह में जब विविध प्रकार की विकृतियाँ आधिवाद व्याधि आदि का उदय होता है, स्वयं को आधिग्रस्त व्याधिग्रस्त मानने लगता है, मरण धर्मा भी मानने लगता है। इस प्रकार तथा न यस्य कैवल्याद् अभिमानोऽखिलात्मनः। लेकिन भगवान जो हैं इस प्रकार के भाव विकारों से रहित हैं। क्यों? अखिलात्मनः सर्वात्मा हैं, सर्वथा अद्वय हैं, कैवल्यात् अभिमानोऽखिलात्मनः तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमानः अखिलात्मनः। सर्वात्मा हैं भगवान, कैवल्य माने केवल अद्वितीय हैं। इस प्रकार जो जीव में अविद्या काम कर्म के कारण विविध प्रकार के मनोभाव होते हैं, उन सब से भगवान सर्वथा अतिक्रांत हैं। सगुण साकार भूमि में भी भगवान इन सब दूसरों से अतीत हैं। यह अभिप्राय परस्य दम कर्तुर ही हिंसा के नास्य कल्प्यते। वे समय समय पर शिशुपाल जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यपु जैसे, हिरण्याक्ष जैसे आतंकवादियों को दंड देते हुए परिलक्षित होते हैं। उसमें भी कल्याण की भावना सन्निहित होती है। ऐसी स्थिति में क्रोधवश, द्वेषवश, भ्रमवश अपने से भिन्न समझकर, सचमुच में दुरात्मा समझकर भगवान हिरण्यकश्यपु आदि को दंड नहीं देते। ऐसी स्थिति में भगवान में हिंसा की कल्पना ही कैसे हो सकती है, क्योंकि अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा नहीं है। प्राणियों पर अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। भगवान तो सर्वात्मा हैं, सबके हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, हित करने में तत्पर और समर्थ हैं। तो तामस भाव जिनको इतना प्यारा होता है कि किसी कीमत पर तमोगुण को छोड़ ही नहीं सकते, ऐसे जो उग्र आतंकवादी होते हैं, देहात्म भाव भावित होते हैं, जिनके जीवित रहने पर लाखों प्राणियों का तिरस्कार नाश स्वाभाविक होता है, उनको दंड देकर भगवान उनके तामस
शरीर और मनोभाव का अपहरण कर लेते हैं। यह चिकित्सा है या कोई हिंसा नहीं है। तस्माद् वैरानुबंधेन निवैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन नेक्षते पृथक। जबकि बात ऐसी इसलिए येन केन प्रकारेण मन को भगवान में सन्निहित करना चाहिए। अगर अस्मिता राग का विषय भगवान को न बना सके, प्रीति विशिष्ट अविद्या का विषय भगवान को न बना सके, तब वैर भाव से ही सही या वैरहीन भक्ति भाव से सही या फिर भय से सही। भयेन वा स्नेहात कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन नेक्षते पृथक। स्नेह के वशीभूत होकर वो पांगनाओं के समान कामना के वशीभूत होकर काम के वशीभूत होकर येन केन प्रकारेण अभिनिवेश का या द्वेष का ही सही विषय भगवान को बना ले, राग का विषय बना ले, अस्मिता का विषय बना ले, प्रीति विशिष्ट अविद्या का विषय बना ले, तब सर्वथा कल्याण होता है। फिर क्या कहा, कथंचिन नेक्षते पृथक। भगवान या नहीं देखते किसने वैर भाव से मेरा स्मरण किया, किसने अनुरक्त होकर स्मरण किया। भगवान क्या देखते हैं, स्मरण किया। स्मरण में पर्यवसान है राग का भी, वैर का भी, भय का भी। येन केन प्रकारेण, आखिर उसने मेरा स्मरण, येन केन प्रकारेण उसने मेरा स्मरण तो किया, इस बात को भगवान देखते हैं। भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से संलग्न कर देना चाहिए। इन भावों का कोई भेद भगवान में नहीं है। स्नेहात कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचिन नेक्षते पृथक। भगवान किसी भी प्रकार से इन्हें पृथक नहीं देखते। का मतलब, लक्ष्य भेद किसी ने गोली से किए, किसी ने तीर से किए, किसी ने दंडा से किए, तो लक्ष्य भेद तो हो ही गया। तो भय से सही, भक्ति से सही, स्नेह से सही, वैर भाव से सही, जिस किसी प्रकार से आखिर भगवान सोचते हैं मुझ में मन का सन्निवेश तो उसने किया, तो इस प्रकार से मनोनिवेश भगवान में होना चाहिए। किसी ब्याज से हो बहुत अच्छा है। राग का विषय भगवान बन जाएं, स्नेह का विषय बन जाएं, प्रेम का विषय बन जाएं, कदाचित ऐसा संभव नहीं आंग्रह बुद्धि के विषय बन जाए भगवान, ऐसा भी संभव नहीं तो द्वेष पूर्वक सही, अभिनिवेश पूर्वक सही, येन केन प्रकारेण भगवान में मन सन्निहित होना चाहिए, परिणाम अच्छा ही होगा। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयता मियात न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। न तथा भक्ति योगे न, देवर्षि नारद अपना निर्णय सुनाते हैं। यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तन्मयता मियात, वैरानुबंध के द्वारा, वैर भाव की प्रगल्भता के द्वारा भगवान में जितनी तन्मयता होती है उतनी तन्मयता भक्ति के द्वारा भी नहीं होती, या मेरा निश्चित मत है, मेरी मति। इसका मतलब वैर भाव सुनई सुम रही वह निश्चित निश्चर, राग तो राग है लेकिन वैर उससे गंभीर भाव है। वैर का विषय जो हो जाता है उसमें रागास्पद की अपेक्षा द्वेषास्पद का अधिक तीव्र गति से चिंतन होता है। तो तदाकार वृत्ति भगवदाकार वृत्ति हो गई तो वैर का क्लिष्ट उपयोग हो गया।
उदाहरण बहुत अच्छे दे रहे हैं। कीतः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तामनुस्मरन् संरभ्य वयवयोगे न विन्दते तत्स्वरूपताम्। मृंगी कीट, मृंगी क्या करती है कीट कीट को, उसको पहचान होती है किस प्रकार के कीट को डंक मार करके वो बेहोश बेसुध कर सकती है। डंक मार करके वो ले आती है अपने द्वारा आर्द्र भूमि में बनाए गए बिल में, उसको धकेल देती है ऊपर से पाँव के द्वारा, मिट्टी से बिल को भर देती है और लगभग 45 मिनटों तक वो चारों ओर छिद्र के गुनगुनाती रहती है तीव्र गति से। वो भय के कारण अंतश्चिंतित, भय के कारण क्या होता है, एक तो डंक मारती है तो वो कीड़े के नेत्र के द्वार से उस भृंगी का चित्र जो है प्रतिफलित, इमेज सिस्टम फिजिक्स में कहते हैं उसको, वो अंकित हो जाता है अंतःकरण में। फिर वो आवाज़ से बिल्कुल तदाकार भृंगी अपने आकार की वृत्ति परिपुष्ट कर देती है उस कीट की। उसको समय का इतना ज्ञान होता है बिना घड़ी आदि के, मैंने देखा है बिल में गुफा में छिप कर तीन कीट को भृंगी बनाते हुए, भृंगी को देखा कि तीन कीट को एक एक करके भृंगी बनाए। एक ने किसी को भृंगी बना दिया, किसी को माने जिस प्रकार के कीट को भृंगी बनाने की क्षमता भृंगी में होती है उसी प्रकार के कीट को वो घायल करके बिल में बंद कर देती है। फिर मैंने देखा कि जो भूतपूर्व कीट भृंगी बन गया वो भी वही काम करना शुरू कर देता है, वो भी वही काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसे वही सब कुछ, क्या गति मति स्थिति सब भृंगी जैसे, स्वभाव भी प्रभाव भी वैसे, रूप वैसे, शील वैसे, सब कुछ। कीटा पेशकृता पेशस्कृता रुद्ध कुड्यायां तमनुस्मरन् संरभ भय योगे न विन्दते तत्स्वरूपताम्। यहाँ भय की प्रगल्भता, भय जिसको लेकर भय होता है उसका चिंतन व्यक्ति को होता रहता है। तो ये जो महामारी चल रही है कहीं मुझे ना हो जाए, ज़्यादातर तो व्यक्ति मन की दुर्बलता के कारण इस रोग को मोल ले लेते हैं। सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन मन में भय समा गया तो मन में तादात्म्यापत्ति की योग्यता होती है, तो अधिकांश जो रोगी होते हैं वो हृदय की दुर्बलता के कारण कहीं मैं इस रोग के चपेट में ना आ जाऊं। परहेज रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लेकिन भय के कारण ही कहीं रोग के शिकार न हो जाएं। ऐसे ये भय के कारण कीट जो है भृंगी का रूप धारण कर लेता है। एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापानस् तमापुरानुचिंतय। 28 यही तथ्य, ये तो सिद्धांत हुआ, अब उसको चरितार्थ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है, माया मनुज ईश्वरे, माया मनुज ईश्वरे का मतलब मनुष्य सरीखे दिखते हैं लेकिन माया से उन्होंने, योग माया से अपने आप को मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त किया है, हैं भगवान सर्वशक्तिमान। एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापा पापमानः तमापुरानुचिंतय। वैर करने वाले भी उनका चिंतन करते करते पाप रहित हो जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ये सगुण साकार भगवान की महिमा है। अब निर्गुण निराकार से भय क्या होगा, उसके आकार का चिंतन भी क्या होगा,
तो निर्गुण निराकार परमात्मा ही जब सगुण साकार हो जाते हैं तब वे अधिक से अधिक व्यक्तियों के तारक हो जाते हैं। तारक क्यों हो जाते हैं? अवतार काल में जिन जिन व्यक्तियों के हृदय में वो राग के कारण, भय के कारण, क्रोध के कारण, स्नेह के कारण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वे भगवान को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। बाद में भी नाम रूप लीला धाम के प्रभाव से अनेकों व्यक्तियों के लिए तरन तारण होने का अवसर प्रदान करते हैं। होत तरन तारण नर सोउ, तरन तारण ये सब शब्द पंजाब में बहुत प्रसिद्ध हैं। तरन तारण स्वयं तर जाता है, दूसरों को भी तारने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है। भगवान के नाम का आलंबन लें, नाम ही तारने में समर्थ है। रूप का आलंबन लें, रूप भी तारने में समर्थ है। भगवान की लीला का आलंबन लें, लीला भी तारने में समर्थ है। भगवान के धाम का आलंबन लें, भगवान का धाम भी तारने में समर्थ है। यह जब प्रकट अवतार काल नहीं होता तब भी भगवान के नाम का, रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का आलंबन लेकर व्यक्ति भवसागर से तर जाते हैं। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गतः। बहवस्तद्गतिम गतः, एक नहीं अनेकों मनुष्य कोई काम से, कोई द्वेष से, कोई भय से, कोई स्नेह से अपने मन को भगवान में रमाकर पाप मुक्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। अवतार काल में तो गोचारण लीला आदि भगवान करते हैं, तो उनके प्रति बछड़े भी, ग्वाल बाल भी प्रेम करते हैं, गुल्ली डंडा आदि खेलते हैं, बछड़े भी अपलक नेत्रों से भगवान को देखते हैं, उन सब के तरने का अवसर हो जाता है, अवसर प्राप्त होता है। जिन जिन वृक्षों को भगवान छू लेते हैं और जिन वृक्षों के पत्ती आदि की माला बनाकर पहनते हैं, वे सब जीव भी, स्थावर प्राणी भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान जिस सरोवर में, नदी में स्नान करते हैं, भगवान का भी प्रलंब उनको भी प्राप्त होता है। हे खग मृग, हे रघु, सीता जी का अपहरण हो गया तो राम जी ने किस किस से पूछा? हे खग, पक्षी से पूछा, पक्षियों से पूछा, मृगों से पूछा, मधुकर श्रेणियों से पूछा। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लोग समझ सकते हैं कि विरह की वेदना में बुद्धि कमजोर हो गई थी, ये सब क्या पता बताएंगे? सब ने पता बताया, गिधराज खग थे या नहीं, पता बता दिया। हे खग, हे मृग, मृग मृग कैसे? रावण हरण करके ले गया, वे सब मृग जो भगवती सीता से स्नेह प्राप्त करती थी वो सब बेसुध हो गई। जहाँ जहाँ मृग को मूर्छित बेसुध देखा, समझ गए किसी मार्ग से कोई सीता का अपहरण करके ले गया है। सीता जी का जिधर से अपहरण हुआ उधर मधुकर श्रेणियाँ जो है मर्राने लगी, उधर की ओर दौड़ती बार बार, मधुकर श्रेणियों ने भी बता दिया। यहाँ तक कि सरोवर ने भी, वाल्मीकि रामायण में तो ये भी लिखा, सरोवर के जल खौलने लग गए भगवती सीता के वियोग में। जिस जिस सरोवर में सीता जी स्नान करती थी उनका भी प्रलंब, सीता जी का भी प्रलंब सरोवर को भी प्राप्त हुआ, उसके जल भी खौलने लग गए। खौलने लग गए तो भगवान समझ गए, अच्छा ये जो वृक्ष की पत्तियाँ थी मुरझा गई सीता जी के वियोग में, वृक्ष की पत्तियाँ भी मुरझा गई।
दोनों की नींद तो सिद्ध है भाई, भगवान जब सिद्ध होंगे तब होंगे। एक शरीर है दिन रहे एकदम निद्रा से झूमते हैं, अच्छा है। इस प्रकार से सगुण साकार भगवान या सगुण साकार भगवती में अद्भुत क्षमता है, निरावरण ब्रह्म इनको हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे। इनके संपर्क में आकर के व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है। येन केन प्रकारेण भगवान में भगवती में मनोनिवेश होना चाहिए। कामाद्वेषाद्वयात् स्नेहाद् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश दधम दधघम हित्वा भावस्तद्गतिं गताः। पाप विध्वंस करके भगवत सारूपी को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए बहुत से व्यक्ति। पहले तो सिद्धांत का दृष्टांत कहते हैं, गोप्य कामाद भयात कमसो द्वेषाद चैद्यादयो नृपाः संबंधाद विषय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। उदाहरण भी देते हैं, गोपियों में काम की प्रगल्भता थी, अर्थात प्रेम की प्रगल्भता से गोपियों ने भगवान की तन्मयता को प्राप्त कर अपना उद्धार कर लिया। भयात कंसा है, कंस ने भय से अपना उद्धार कर लिया अभिनिवेश से। शिशुपाल दंत वक्त्र जिनकी चर्चा तुम कर रहे हो, इन्होंने द्वेष के बल पर भगवान में अपने को सन्निहित कर दिया। यदुवंशियों ने संबंध के बल पर, पारिवारिक थे इसलिए संबंध के बल पर, और तुम लोगों ने पांडवों ने स्नेह के बल पर, हम नारद इत्यादि ने भक्ति के बल पर भगवान में मन लगाया है। मन भगवान में इन भावों में किसी भाव को लेकर सन्निविष्ट हो जाए तो व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। येन केन प्रकारेण मन भगवान में सन्निहित करना चाहिए। कतमोपि न वेन स्यात्, पहले कहा था परीक्षित ने वेन का नाम लिया था, वो तो निंदा करता था लेकिन निंदा के फलस्वरूप भगवान की प्राप्ति न होकर नरक की प्राप्ति हुई, ऋषियों ने उसे नरक में भेज दिया। शापित व्यक्ति, शाप से मरा हुआ व्यक्ति। कतमोपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। अब पांच भाव का काम से एक, द्वेष से दो, स्नेह से तीन, भक्ति से चार, गोप्य कामाद भयाद कंसा द्वेषाद चैद्याद दयो नृपाह संबंध से पांच, काम से सही, द्वेष से सही, भय से सही, स्नेह से सही, भक्ति से सही, कोई न कोई भाव भगवान के प्रति निवेदित करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। वेन का उद्धार क्यों नहीं हुआ, इन पांचों में किसी से संपन्न हुआ नहीं था, भगवान को इन पांचों में किसी भाव का विषय नहीं बना पाया। कतमोपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जबकि बात ऐसी है, इसका मतलब है कि परीक्षित जी ने जो कहा था कि निंदा करता था वह वेन, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं हुआ, शापित होकर नरक में पहुंचा दिया ऋषियों ने, तो मानो इसका शोधन करते हैं, वो नास्तिक शिरोमणि था। इसलिए पांचों भावों में कोई भी भाव, निंदा भी कोई करेगा तो द्वेष पूर्वक ही करेगा ना, किसी भाव की प्रगल्भता नहीं थी उसमें, इसलिए उसकी दुर्गति हुई। वेन की कम इत्यादि भय से ही सही,
भगवदाकार मारीच इत्यादि भय से उद्धार हो गया उनका। यह मन कृष्ण निवेशयति ये केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयत, जिस किसी भाव से हो मातृस्वसेयो वश्चै दियो दंतवक्त्रस्य पांडव पार्षद प्रवरौ विष्णुर्विप्रशापात पदाच्युतौ। असली बात क्या है, इनका इतिहास क्या है महाराज? ये तो मौसेरे भाई ठहरे तुम्हारे कौन, शिशुपाल और दंतवक्त्र? ये पहले भगवान के मुख्य पार्षद थे जय विजय के रूप में, ब्राह्मणों के सनकादि के हिसाब से इन दोनों को पद से च्युत होना पड़ा। अब तो एक और विशेष आश्चर्य का विषय रख दिया, क्या इतने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी च्युत हो जाए? स्वर्ग में जाकर व्यक्ति च्युत होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यह तो बात समझ में आती है। लेकिन भगवान का पार्षद वैकुंठ में, वो भी पार्षद होकर च्युत हो जाए, शाप की गति वहाँ भी है, बड़ी विचित्र बात। ऊपर शापा शापी ना हो तो मर्त्य लोक में भारत का कल्याण कैसे हो? क्या ये नदियाँ आ जाती हैं ना आपस में, वहाँ झगड़ करके एक ने दूसरे को शाप दे दिया तो यहाँ आ जाती हैं, तो मर्त्य लोक का कल्याण ही होता है भारतवर्ष का। तुम नदी हो जाओ, तुम पर्वत हो जाओ, तुम मनुष्य हो जाओ, ऐसा। तो जहाँ तक शरीर है, क्या दिव्य लोक में अदिव्य लोक में ये भाव तो रहेगा, श्राप और वरदान की गति चलती रहेगी। यमुना को श्राप लग गया तो गंगा को लग गया, तो सरस्वती को लग गया, तो अमुक को लग गया। दुर्वासा जी वेद पाठ कर रहे थे, कहीं भूल गए, वेद पाठ में कुछ त्रुटि हो गई तो क्या हुआ? फिर मुस्कुरा दिया अमुक देवी ने, सरस्वती जी ने, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया तो उनको जन्म लेना पड़ा। मंडन मिश्र की पत्नी के रूप में जन्म लिया बनी। इसका मतलब ऊपर भी श्राप और वरदान की गति है, जहाँ तक जीवन है वहाँ तक ये सब चलता है, 19-20 का अंतर है। लेकिन ऊपर के श्राप और वरदान जो हैं, ये भारतवर्ष में अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, अच्छी अच्छी विभूतियों को जन्म देने में समर्थ। कीदृश कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शन अश्रद्धेय इवा भाति हरेरे कांतिनाम भवः देहेन्द्रिया सुहीनानाम वैकुंठपुरवासिनाम देह संबंध संबंध में तदाख्या तुम अर्हसी। बड़ा आश्चर्य हो गया। अभी तो एक ही आश्चर्य था, क्या शिशुपाल और दंत वक्त्र का तेज भगवान में समाहित हो गया, कल्याण हो गया, यही आश्चर्य। अब ये बने कौन, इनका पूर्व रूप कौन था? ये तो भगवान के पार्षद थे, तो वैकुंठ पार्षद भी शापित हो जाते हैं, उनसे भी कोई अपराध बनता है, उनको भी कोई शाप देने वाला होता है, ये तो एक विचित्र बात हो गई। इसलिए जिज्ञासा स्वाभाविक है। कीदृशा कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शन अश्रद्धे इवा भाति हरे रे कांति नाम भव। भगवान को भी अप्रिय लगने वाला पार्षदों का शाप भगवान को अप्रिय लगता है, लेकिन भगवान के पार्षद को भी प्रभावित करने की क्षमता भला किस व्यक्ति के शाप में, और ऐसा भगवान के पार्षदों से कौन सा काम बना, कौन सा अपराध बना कि उन्हें शापित होना पड़ा? भगवान के पार्षद भी भूल करते हैं, शाप के पात्र बन जाते हैं,
और कौन इतना समर्थ था जो भगवान के पार्षद को अभिशापित करने में समर्थ हो गया। अनन्य प्रेमी जन्म मृत्यु संसार में आवे, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत विचित्र बात। अश्रद्धेय इवाभाति, इव कहा, इव बिल्कुल श्रद्धा इस पे जमती नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा क्या वहाँ वैकुंठ तक में लाग डांट साप वरदान सब जगह गति है, जहाँ तक पूरी अष्टक से जीव कला है सब जगह। वहाँ के शापाशाप का प्रभाव यहाँ पड़ जाता है, अच्छी अच्छी विभूतियाँ आ जाती हैं फिर नदी के रूप में सरस्वती आ जाती हैं, गंगा आ जाती हैं, यमुना आ जाती हैं, मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती बन जाती हैं, मंडन मिश्र ब्रह्मा बन के आ जाते हैं क्या। तो वहाँ का शाप भी जो है मर्त्य लोक को विभूषित कर देता है। दिव्य जो शक्तियाँ हैं वहाँ के कला के प्रभाव से यहाँ अवतीर्ण हो जाती है ऐसा है, यही है ना। जाओ गंगा जी को शाप मिल गया, इतने वर्षों तक मर्त्य लोक में रहना। अब भारत में तारिणी बन गई गंगा जी, अब यहाँ से मानो अंतरहित हो जाएंगी तो लाखों व्यक्तियों के उद्धार का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो बड़े व्यक्ति का पतन भी दूसरों के हित में होता है या नहीं वहाँ के शाप शाप वरदान की स्थिति जहाँ तक क्या है गतिमति है, वहाँ तक शाप वरदान की स्थिति है। एक से एक समर्थ हैं, और कौन किसके किस काम को अपराध मान ले यह भी कहना बहुत कठिन है। सनकादि क्या थे, छोटे छोटे बाल गोपाल। तो किसी मान लो यहाँ कोई, हम तो गेट की अपराधी रखते नहीं, इसीलिए क्या हमारे यहाँ कोई द्वारपाल है सब, यहाँ कौन किसको साफ दे दे पता नहीं, खामक हमें परेशान होना पड़े। इसलिए हमने ऐसा अपना आप जगह तो होता है ना एकदम, यहाँ कुछ नहीं, और समय पर ही सब आते हैं, सब व्यवस्था इस ढंग से है क्या। ऐसा तो नहीं फालतू आ जाए कोई भी, हम वृंदावन में भी रहते तो हमारे पास कभी नहीं भीड़ होती थी, सैकड़ों हजारों व्यक्ति हमको जानते थे। उस समय तो प्रवचन में 30,000 से कम व्यक्ति आते ही नहीं थे, नैमिष वालों के यहाँ लखनऊ आदि में 30,000 तो कम से कम, नहीं तो 50,000 तक की भीड़ होती थी। ये 27 साल पहले छत्तीसगढ़ में 50,000 तक एक गांव में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर भिखमपुरा, वहाँ हमारा प्रवचन हुआ। मुख्य मार्ग से 15 किलोमीटर दूर बीच में एक नदी, उस गांव की जनसंख्या 150 या कितने सौ, और उसमें लगभग 40-50 हज़ार व्यक्ति प्रवचन सुनने आते थे। ये जब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक करके विकास के मार्ग पर चलने लगा तब से नास्तिकता भी बढ़ने लगी। विकास हो और आस्तिकता बढ़े तब तो विकास है, ज्यों ज्यों भौतिक विकास होता है त्यों त्यों आध्यात्मिक दृष्टि से क्या होता है व्यक्ति के मन में पाप का सन्निवेश, नास्तिकता का सन्निवेश होता जाता है। दस स्वामी जी ने एक संस्मरण सुनाया, एक कोई दिल्ली के सज्जन थे हरिवा जी का दर्शन करने, शनिवार के शाम को आ जाते और काम धाम व्यापार आदि करके, और रविवार के शाम को फिर चले जाते दिल्ली, दुकान आदि के काम में कोई व्यवधान भी नहीं, हरिवा का दर्शन भी कर लेते। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हरि बाबा जी के पास वो नहीं आए। हरि बाबा तो ऐसे किए रहते थे, किसी स्त्री या पुरुष का मुंह ही नहीं देखते थे वो, ऐसे भगवान के जहाँ की रासलीला वाले की वैसे। क्योंकि एक बार बहन आ गई मिलने, बड़ी बहन होगी, उन्होंने कहलवा दिया कि मिस्त्रियों से नहीं मिलता। अच्छा तू हमसे भी नहीं मिलेगा, दूसरों से मिलेगा हमसे नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा किसी का मुंह ही नहीं देखूंगा, स्त्री हो या पुरुष। तो हरिवा को हमने देखा, उनकी गर्दन ही ऐसी हो गई, घूमते भी थे तो
रासलीला में राधा कृष्ण बने हुए बैठे रहते, ऐसे ऐसे वो डुलाते थे, खड़े रहते थे रासलीला के, ठाकुर को राधा जो ऐसे जोड़ा तो ऐसे। तो फिर वो हरिवाद जी ने पूछा विपिन चंद्र मिश्र जी से, वो जो व्यक्ति आता था चार पांच महीनों से दिखता नहीं, हर रविवार को आता था शाम के शनिवार को, कोई विपत्ति आदि तो नहीं पड़ गई भाई, कोई गरीबी के चपेट पे तो नहीं पड़ गया? उन्होंने कहा पता लगाऊंगा। उस समय दिल्ली बहुत छोटी थी, तो विपिन चंद्र मिश्र जो बाद में विपिन चंद्रदन सरस्वती हुए, उन्होंने पता लगाया। फिर वो भी आते थे रविवार को, शनिवार के शाम को मिलने। तो उन्होंने कहा बाबा आप उसकी ओर से निश्चिंत रहिए, इतना धनी हो गया है कि अब उसकी आस्तिकता चली गई है, उसके पास समय नहीं है कि आपके पास आ सके। अच्छा भाई, मुझे तो लेना देना कुछ नहीं था, हमको वह कोई रोग शोक ना आ गया, प्रगति हो गई भौतिक मार्ग में, क्या भौतिक मार्ग में प्रगति हो गई है इसलिए नहीं आता। यह है तो यहाँ कहा कि वैकुंठ में भी फिर साप, भगवान के पार्षद निष्कलंक होते हैं उनको भी साप मिल जाए, और साप देने वाला कितना बलवान होगा कि उनका साप लग गया, ये तो अविश्वसनीय सरीखा है। अश्रद्धेय इवा भाति, घटना आपने सुनाई तो इतिहास है, इसमें श्रद्धा तो है लेकिन अश्रद्धेय इव लिखा, इसमें तो सहसा आस्था होना बहुत कठिन है। देहेन्द्रिया सुहीनानाम वैकुंठपुरवासिनाम देह संबंध संबंध में तदाख्या तुम रहसी, वैकुंठ में रहने वाले तो देहेन्द्रिया सुहीनानाम, हीन माने बिल्कुल नहीं रहे तो व्यवहार कैसे करें, तो लौकिक प्राकृत भौतिक अदिव्य देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण से तो रहित होते हैं, उनका फिर प्राकृत शरीर शिशुपाल दंत वक्त्र का मिल जाए बड़ा आश्चर्य है। अब प्राकृत देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण वाले मतलब अलौकिक अद्भुत दिव्य देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण संपन्न व्यक्ति भगवान के पार्षद हो सकते हैं, फिर उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, ये चार भुजा लेकर जन्मा था शिशुपाल। ज्योतिषियों ने बताया कि जिसके गोद में बैठने से लिटा देने से इसके दो भुजा समाप्त हो जाए समझो उसी से मरेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के जो मौसी जी थीं वो जो आवे उसके गोद में दे देती बच्चे को, दोनों चारों हाथ बने रहते। भगवान श्री कृष्ण के गोद में भी मौसी से मिलने गए, बच्चे को दे दिया, दो हाथ उसके समाप्त। कारे तुम ही मारोगे इसके, तो मौसी माने मासी, माँ की सरीखी तो हूँ मैं, मौसी हूँ, मेरे बेटे की मौत तेरे द्वारा ना हो। अब जो प्रारब्ध है उसको कौन टालेगा मौसी जी, लेकिन मैं इतना वचन देता हूँ इसके सौ अपराधों को क्षमा करूँगा, ये थोड़ा सयाना हो तो बता देना कि मेरे प्रति 101 अपराध न कर। बड़ी विकट समस्या है, मौसेरे भाई को मारना पड़े, मामा को मारना पड़े। क्या हुआ निष्कर्ष, धर्म के मार्ग पे चलने पर क्या अपने पराये का तो ध्यान, मौसेरा भाई था दोनों को, दंत शिशुपाल को, वैसे तो पार्षद था लेकिन इस जीवन में तो मसौरा भाई था, और वो तो मामा ही जी थे, कौन कंस देवता। बड़ी विकट गाथा, इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा अद्रुत चित्त से तत्व विचार होता है, अद्रुत चित्त से
भक्ति जो होती है द्रुत चित्त से, भगवदाकार वृत्ति होगी ना द्रुत चित्त से, और ज्ञान जो होता है अद्रुत चित्त से। तो भक्ति भरपूर हो जाए उसके बाद, भक्ति के पहले ज्ञान होगा नहीं। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते। भक्ति से द्रवता को प्राप्त होने के बाद चित्त कठोर हो जाए, तब लक्षा जो है द्रवित होने के बाद, द्रवित लक्षा में जो रंग डाल देते हैं वो रंग फिर लक्षा से तादात्म्यपन्न हो जाता है। तो भक्ति की घाटी पारने की शिवो हम सो हम कुछ नहीं काम देगा ये सब। एक यमराज की क्या बंदर की घुर की ही ठोस ठिकाने लगा दे। इसीलिए तो हमारे पूज गुरुदेव ने हमसे कहा, मधुसूदन सरस्वतीन लिखा है अद्रुत चित्त। तो पूज गुरुदेव ने हम कहा, सुनो हमसे कहा, निष्ठुर चित्त से विचार करना चाहिए तत्व विचार, निष्ठुर चित्त से। अब न्यायाधीश जो होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि रामकृष्ण मिशन का एक केस आया तो बिपिन चंद्र जी हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने लिख दिया, मैं इस केस को चीफ जस्टिस को लिखा नहीं लेना चाहता क्योंकि धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान के प्रति मेरे हृदय में अपनत्व है, अपनत्व के कारण कहीं मैं न्याय के स्थान पर अन्याय न कर दूं, माने मिशन का पक्ष न ले लूं, तो यह केस किसी और को सौंपा जाए, यहाँ मुझसे अन्याय की संभावना है क्योंकि धार्मिक व्यक्ति धार्मिक संस्थान के प्रति हमारे हृदय में अपनत्व है, जहाँ अपनत्व है राग है वहाँ न्याय देने में त्रुटि हो सकती है, ऐसा है। तो यहाँ पर भी विचित्र बात है, क्या है, देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुंठपुरवासिनां देह संबंध संबंध में तद आख्यातुमर्हति। देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण जिनके दिव्याति दिव्य होते हैं वो वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षद है, और मर्त्यलोक में और गाली गलौज करने वाला अपशब्द बोलने वाला और तामस शरीर प्राप्त हो जाए तो बड़ा आश्चर्य है। सामान्य रीति से तो इस घटना पर विश्वास करना ही कठिन है। नारद उवाच, नारद ने कहा, देवर्षि नारद ने, उदार था ठीक है, यहाँ श्री शुक उवाच, सुखदेव जी के साथ ही श्री है, बाकी सबके साथ श्री नहीं है। नारद उवाच, एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णुर्लोकम यदिच्छया सन्नंदनादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। बात ऐसी है कि अप्रत्याहत गति थी ब्रह्मा जी के सुपुत्र सनंदनादि, सनात ये सात हैं, सनत कुमार इत्यादि चार भाई हैं, लेकिन महाभारत में सब मिला के छः सात हो जाते हैं, तो सनंदन है, सनातन सनंदन ये सब, सनक सनंदन सनातन ये तप तप परक ये सब शब्द हैं, सनाढ्य सनाढ्य ब्राह्मण, सन माने तप, तप से जो आढ्य हो इनके पूर्वज तपस्वी रहे हों, यह अब कानकुब जी इत्यादि सनाडी को ब्राह्मण नहीं मानते, बड़ी विचित्र, और सरयू पारिन कानकुबजों को नहीं मानते, जिसका क्षेत्र हो वहाँ बड़ी विकट बात। हम तो नैमिष में थे, वो कानकुब जी थे, कोई उधर आ जाता सरयू पारिन तो एकांत में कहते ध्रुव जी बने हुए ब्राह्मण, तो मैं सोचता ये मुझे क्या ब्राह्मण गिनते होंगे, मैं भी तो कानकुब जी नहीं हूँ। अब जब काशी क्षेत्र में गया उधर सरयू पारिन, कोई बहुत ऊंचा वैद्य भी हो जाए उधर सरयू पारिन अगर नहीं है कानकुब जाति है तो कुछ गिनते ही नहीं अपने अपने क्षेत्र में। अरे भाई इसी से तो ब्राह्मणों का पतन हुआ ना,
शास्त्र सम्मत परंपरा में कोई ब्राह्मण है, अब तुम्हारा है बिरादरी में आ गया तो तुम ब्राह्मण ही नहीं गिनोगे, या एकांत सावधान रहना, बने हुए ब्राह्मण, बने हुए कहाँ, वो खानदानी सरजू पारी नहीं। सावधान चौहान नहीं है, नंबर दो के छे। कोई कहेगा ये चौबे नहीं है, त्रिवेदी हैं, तिवारी हैं, कुछ घटिया ब्राह्मण लो। ये सब जो पिशाच वृत्ति, इसी के कारण तो पतन हो गया ना। अच्छा तो समय हो गया। एकदा ब्रह्मण पुत्र विष्णु लोकम यदृच्छया, अप्रत्याहत गति थी इनकी यदृच्छया, यहाँ तक कि भगवान के लोक में भी इनकी गति थी, अप्रत्याहत गति थी। सनंदनादयो जगमुश्चरंतो भुवनत्रयम्, भुवनत्रय चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, उसको तीन ही भुवन में कहना होता है तो भूर भुव स्वा स्वा में ऊपर के लोकों का अंतर्भाव हो जाता है। अब सत्य लोक में वैकुंठ का भी अंतर्भाव हो जाता है तो स्वा में सत्यलोक का भी अंतर्भाव हो गया, सत्यलोक में वैकुंठ का भी अंतर्भाव हो गया, इसलिए भुवन त्रयम कहा। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव।